हेलो, वेलकम माय चैनल स्किल नॉलेज। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन होता क्या है? जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना रखा है, नेम है, मोबाइल नंबर है। जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई मोबाइल नंबर दिया, फॉर एग्जांपल 1, इस तरीके से। और अगर हमने जैसे 10 डिजिट का है या 1 डिजिट कोई कम हो गया तो इंटर किया तो ये एक्सेप्ट कर ले रहा है। ओके, जैसे ये 9 डिजिट का नंबर है, ये एक्सेप्ट कर ले रहा है। या 11 डिजिट भी हो गया तो भी एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो डाटा वैलिडेशन से के ज़रिए हम एक ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे जिस पे वो मैसेज शो कर देगा या इनपुट मैसेज दे देगा कि दिस नंबर इज इन वैलिड या कुछ भी, जिससे यूज़र को ये पता चल सकेगा कि नंबर वैलिड नहीं है, हमें सही नंबर इनपुट करना है, उसे डेटा ख़राब नहीं होगा। तो कैसे करना होगा इसको, सबसे पहले हम इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी सेल में हमको देना है। देन डाटा टैब में आके यहाँ डाटा वैलिडेशन है इस तरीके का, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ डाटा वैलिडेशन लेंगे। देन यहाँ पे आपका अलाउ में आ जाएंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे टेक्स्ट लेंथ। ओके, इस तरीके से यहाँ पे हम नंबर दे देंगे, मिनिमम मैक्सिमम। ओके, मिनिमम है तो मान लीजिए मिनिमम हम दे देते हैं जैसे 9। ओके, और फिर यहाँ पे मैक्सिमम 10, यानी 10 डिजिट से कम ना रहे नंबर, और उसके ऊपर रहेगा तो भी नहीं लेगा। अब हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके, ओके किया, अब हम यहाँ नंबर देते हैं। देखिए 1, 2, 3, ठीक। अब जैसे अगर 10 डिजिट का नंबर है, देखिए, ओके लिया। अब जैसे ही मैं 11 डिजिट करूँगा इसमें, जैसे 11 डिजिट अगर हो जाएगा तो ये द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, रीट्राई। अब हम इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको 10 डिजिट करके इंटर करूँगा ये ले लेगा, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि जब हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं तो ये जो मैसेज दे रहा है, ये मान लीजिए मुझे समझ में आ रहा है कि दिस इज ए डाटा वैलिडेशन अप्लाई है इस पर, तो इस वजह से प्रोसेस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे इनपुट मैसेज रेडी करेंगे। ओके, वो कैसे होगा, फिर से हम आएंगे यहाँ पे, ओके तो हटा देते हैं पूरा। ओके, फिर हम इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे यहाँ क्लिक करेंगे, डाटा वैलिडेशन में आएंगे, जो हमने यहाँ नंबर तैयार किया, इनपुट मैसेज एरर अलर्ट है। तो यहाँ पे एरर अलर्ट के लिए हम कोई भी सिंबल ले लें, इस तरीके का इस इंफॉर्मेशन इस तरीके का, तो जनरली क्या होगा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको ले लेते हैं। देन यहाँ पे इनपुट मैसेज हम रेडी कर देते हैं टाइटल में, यहाँ पे प्लीज वी ए प्लीज इनपुट वैलिड नंबर। ओके, ओके इस तरीके का मैंने रेडी किया। अब मैं इसको करता हूँ, ये देखिए प्लीज इनपुट वैलिड नंबर दिखा रहा है। अब यहाँ मैं डालूँगा, देखिए यहाँ मैसेज शो करने लगा। ओके, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ना शो करे, यहाँ जैसे डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ तो वहाँ करे, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। तो होगा क्या कि इसको मुझे यहाँ से हटा देना है। ओके, और यहाँ एलर अलर्ट में आ जाएंगे, यहाँ एरर मैसेज देंगे, वही प्लीज इनपुट इस तरीके का। ओके, यहाँ पे ओके कर दिया। देन अब देखिए, अब हम यहाँ पे नंबर टाइप करते हैं। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
टेन इलेवन, ये देखिए आया प्लीज इनपुट वैलिड नंबर। अब जैसे ही मैं इस पर रिट्राई करूँगा, यहाँ पर मैंने 11 डिजिट दिया था, एक डिजिट कम करके एंटर कर दूँगा तो ये नंबर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरीके से हम डाटा वैलिडेशन बनाते हैं। किसी भी तरह का कोई फॉर्मेट हो तो हम इस डाटा वैलिडेशन इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।